सरकारी अहदे पर रहते हुए इस संगठन को कायम किया और बहुजन संघ संगठन आज ऑफिशियली 4 साल पूरे कर चुका है, वैसे 6-7 साल से चल रहा था और पूरे मुल्क में उन्होंने उसको आप लोगों को बुलाया और जिन जज्बात का वो इजहार किया अपनी तकरीर में, मैं उनको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ये जज्बात जो उनके हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जरिए दिए गए संविधान को सुरक्षित रखने और उसमें दिए गए अधिकारों से सब लोगों को, पूरे देशवासियों को, उन तक ये अधिकार महफूज रखने पहुँचाने का जो उन्होंने बिला उठाया है, इसमें किसी भी तरह से मुल्क की अकलियतें और ख़ास तौर से मुसलमान उनका साथ देने पर तैयार है। मुसलमानों का भी अकीदा है कि इस मुल्क में जो सेकुलर दस्तूर डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया है वो हमारी नहीं पूरे मुल्क की ज़रूरत है और वो मुल्क की ज़रूरत है। और कुछ लोग आज से नहीं 2001 से उस संविधान को डाइल्यूट कर रहे हैं, बल्कि ये मैं कहूँगा कुछ लोग तो उसको ख़त्म कर देंगे कोशिश कर रहे हैं और आप उससे वाकिफ हैं, दलित समाज भी उससे वाकिफ है। यही वजह है कि दलित समाज पूरी तरह से डॉक्टर अम्बेडकर के दिए हुए संविधान को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा आगे रहता है और मुसलमान भी उसके साथ हमेशा रहे। दूसरी बात, संविधान सुरक्षित है हमें यकीन है, जो लोग 4.25 साल से इस मुल्क में हुकूमत कर रहे थे और 8-9 महीने बाकी हैं, लेकिन शायद 2019 के बाद कोई मौका न मिले और 2019 के बाद इस संविधान को इस पर अमल करने का वक्त होगा और पीता हरीश साहिबा जैसे लोग ही जो नीचे से उठ कर ऊपर आए हैं वही इसके दर्द को, इसकी रूह को उस पर अमल कर सकते हैं। तो मैं तो इससे जो आज तजवीज़ पेश हुई है मैं तो उससे पूरी तरह इत्तेफाक करते हुए ये कहूँगा कि प्रीता हरी साहबा को चाहे अपनी मुलाजमत से प्रीमैच्योर रिटायरमेंट लेना पड़े, लेकिन वक्त का तकाजा है कि वो इस मुल्क की एक्टिव पॉलिटिक्स में आकर और इन चीज़ों को रूबामल लाने के लिए, इन पर अमल दरामद करवाने के लिए वो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में हिस्सा लें। ये उनके लिए ऐसा ही मुल्क के लिए कर रहा, मुल्क का फायदा होगा, देश का फायदा होगा, देशवासियों का फायदा होगा, एक पार्टी के लिए। दूसरी बात मैं आपके हाथ में कहना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ा तबका हमारा दलित समाज का है जिसको काशीराम जी के आने से पहले तक इस्तेमाल किया गया मुसलमानों से लड़वाने के लिए। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था उस वक्त 1967 में, जब मुझे मालूम है कि अलीगढ़ में जो आगरा में फसाद होता था उस पर जाटो कमेटी को इस्तेमाल किया है, लेकिन काशीराम जी के आने के बाद यूपी में तब्दीली आई कि उन्होंने उस जाटो कमेटी को समझाया कि देखो तुम ये लोग इस्तेमाल करते हैं, और जब से उनका ये मैसेज फैल गया तब से आज तक कोई बड़ा फसाद ना अलीगढ़ में हो सका ना आगरा में। ज़्यादा ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनका हरी साहबा को बार बार काशीराम जी का नाम लिया, मैंने भी उनको पहले से देखा है, उनसे मुलाकातें हुई है, बातचीत हुई है, तो ये बहुत बड़ी काम आज जो कुछ हो रहा है, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे झारखंड में हो, चाहे किसी और सूबे में हो, कि लोगों को सिर्फ इस नाम पर बेदर्दी से मार कर खत्म किया जा रहा है कि वो गाय को किस तरीके से ले जा रहे थे, गाय का व्यवहार कर रहे थे। इस देश में सुप्रीम कोर्ट भी इसके बारे में संवेदना व्यक्त कर चुका है, कह चुका है कि ये देश के कानून के खिलाफ बातें हैं। जाहिर है कि उन्होंने कहा अपनी तकरीर में, मैंने गौर से सुना कि इन चीज़ों को रोकना भी आपकी जिम्मेदारी है।
क्या कमी होने चाहिए सरकार में जाति के बारे में हम करेंगे वहाँ बैठे लाल करेंगे संविधान के बारे में बताना है जो लोग मार रहे हैं उनको तो नहीं बताना है इसलिए जानते हैं मतलब सिर्फ लेकिन बाकी जो लोग नहीं अपना फर्ज अदा कर पा रहे हैं जो बचाने का काम नहीं कर पा रहे हैं उनको तो यकीन बताना होगा कि संविधान की रूप क्या है। और ये बात मैं आपको बताऊँ कि जिस दिन आवाम तय कर लेंगे गरीब तय कर लेंगे पिछड़े लोग तय कर लेंगे कि हमें इस किस्म की कोई जाति नहीं होने देना है उस दिन कोई एक आदमी भी इस तरह मारा नहीं जाएगा। आपको इसका 1989 के बाद बिहार में हो चुका है। लालू यादव चीफ मिनिस्टर हुए तो उनके अपने जो फॉलोअर्स यादव कम्युनिटी के थे उन्होंने कहा कि अब आज की तारीख से मुसलमानों की सुरक्षा पुलिस नहीं तुम करो तुम लाठियाँ लेकर निकलोगे और कोई आदमी मुसलमानों के साथ इस तरह का हत्या नहीं करेगा। तो अगर ये बात आप इसकी प्रेरणा देंगी तो मुझे यकीन है कि दलित समाज पूरा इस दिन उठ खड़ा होगा तो फिर उनको अपने लिए भी किसी से घोड़ी पर चलने की इजाज़त नहीं मांगनी होगी। मैं इसको मैं इस बात के लिए हरी साहबा से कहूँगा कि ये एक सिंबल था ये उस नौजवान और दुल्हन के लिए जो एक लड़ाई लड़ी है वो सिंबल था कि उस गांव में उनको यह नहीं था और वो उस पर कामयाब हुए चाहे कितने पुलिस के जरिए से उनको रोकना पड़ा हो हाईकोर्ट के आदेश से कामयाब हुए तो ये उनकी लड़ाई काफ़ी लोग बर्बाद है कि उन्होंने साबित कर दिया कि गांव के वो लोग जो अपने आप को चीज़ात को समझते थे वो उनको रोक नहीं सके क्योंकि संविधान उनके साथ आया संविधान के साथ खड़ा हुआ और हाईकोर्ट ने संविधान को नाफिज किया तो अमल करने की है। तो ये चीज़ें सिम्बॉलिक हैं ये चीज़ें सिम्बॉलिक होने की वजह से यकीन सम्मान सबसे बड़ी चीज़ है और सम्मान की लड़ाई आप लड़ रही है उसमें हम आपके साथ हैं। जहाँ तक अब ये मौजूदा सरकार हो या हमारी यूपी की सरकार हो उनके पास ये 4-6 महीने का वक्त है अभी और इस स्थिति हरकतें करने का हमें कम अज़ कम मुसलमानों के ताल्लुक से मैंने यही कहा है देखिए बड़ा मकसद आगे 2019 का इलेक्शन इस देश के लिए बहुत बड़ा चुनौती है। इस देश में संविधान रहेगा या संविधान नहीं रहेगा कोई दूसरा संविधान आएगा ये तय होगा 2019 को लिहाजा आज की तारीख में हमें बहुत ही सोच समझ कर आगे चलना है। मुसलमानों के अंदर ये बात तकरीबन बड़ी हद तक पहुँच चुकी है मैं समझता हूँ दलितों में भी पहुँच चुकी है क्योंकि दलितों ने जो मुजाहरा किया जो कानून के जरिए से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जरिए से उनका हक छीना गया और जो आज तक बहाल नहीं हो सका उसके बाद उन्होंने सिर्फ एक मुजाहरा किया उस मुजाहरे की बात को खामोश हो ये उसके बाद उनके जज्बात का मुजाहरा मुझे लगता है कि 2019 के इलेक्शन में होगा क्योंकि 2019 का इलेक्शन तय करेगा कि मुस्तकबिल में कानून की क्या तस्वीर होगी कौन सा कानून लागू होगा आया कि दलितों के साथ इस किस्म का व्यवहार करने पर गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी ये कानून से तय होगा। आज की तारीख में मैं चूँकि मेरे पास वक्त कम है साधारण जन के और बाकी है मैं आपसे सिर्फ यही कह सकता हूँ कि जो आपका ये मूवमेंट है जिसको आपने आज और वसत दी है आज बढ़ाया है ये बहुजन सम्यक संगठन के बाद आपने आज उसको संविधान के उस रूप से जोड़ दिया जो डॉक्टर अम्बेडकर का बात है डॉक्टर अम्बेडकर एक सिंबल थे इस भारतीय सभ्यता को कायम रखने वो सभ्यता जिसको हम यूपी में दुर्गाचंदी सभ्यता कहते हैं जिसको और जगहों पर और नाम से पुकारा जाता है वो जानते थे ये देश हिंदू राष्ट्र बनकर नहीं चल सकता है
वो जानते थे इस देश में तमाम मजाहब के लोग हैं, उनके सबके मजहब को प्रोटेक्शन देना होगा। यही वजह है कि उन्होंने संविधान में आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 ऐसे आर्टिकल्स रखे, इसको सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कहा कि ये सेकुलरिज्म की बुनियाद है। और सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट आड़े आ रहा था अटल बिहारी वाजपेयी साहब के ज़माने में, चीफ जस्टिस रिटायर्ड जिनको उन्होंने संविधान कमेटी का अध्यक्ष बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमेटी का, उन्होंने ये कैटर की रिपोर्ट कर दी कि जब तक 13 जजेस के जजमेंट कायम है आप संविधान के मूल मौलिक अधिकारों को कोई तब्दीली नहीं ला सकते। तो डॉक्टर अम्बेडकर को प्रोटेक्शन मिला सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस के जजमेंट से, और आज ये साबित हो रहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर की जो सोच थी कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली के डिबेट से जाहिर होता है, किस तरह से उन्होंने भारत के नागरिकों को संवैधानिक में मौलिक अधिकार रखने के लिए लोगों को आमादा किया और वो अधिकार दे। आखिरी बात मैं आपसे इसे भी कहूँगा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने जो पिछड़े और दलित लोगों के सोशली और एजुकेशनली नेटवर्क लोगों के उत्थान के लिए उनकी तरक्की के लिए जो रिजर्वेशन का कानून बनाया वो भी आज बहुत से लोगों के वो खटक रहा है और तरह तरह से उसको डायलॉग करने की कोशिशें होती हैं। मैं भी बहुत पहले सोचा करता था कि इकोनॉमिक बेसिस पर रिजर्वेशन हो सकता है या होना चाहिए, लेकिन आज मुझे इस वाक्य के बाद जो अभी वाक्य घोड़ी वाला हुआ है मैं कन्विंस्ड हूँ कि सोशल बैकवर्डनेस आज भी ख़त्म नहीं हुई है। आज भी दलितों के साथ वही शुरू करने के एक लोगों का विचार है जो आज से 5000 साल पहले, 2000 साल पहले, 1000 साल पहले लोग सोचते थे। मतलब क्या वजह कि हम इस पर एतराज़ करें कि हमारे गांव का रहने वाला दलित घोड़ी पर चढ़ क्यों नहीं आए, उसकी बारात घोड़े पर नहीं जाए, क्योंकि वो ठाकुर साहब की विरासत है, ठाकुर साहब का हक है। लिहाजा ये सोच अभी ख़त्म नहीं हुई। लिहाजा मैं समझता हूँ कि आइंदा आगे 50 साल भी शायद काफ़ी ना हो इस सोशल इक्वलिटी को कायम करने के लिए, और जब तक ये सोशल इक्वलिटी कायम नहीं होती, आपका कहना बिल्कुल सही है, उनका मंशा यही था कि जाति विहीन समाज हो, लेकिन ये जब था कि जब लोग जाति के नाम पर इक्वल की इक्वल ट्रीटमेंट करें। अभी 2018 में ये साबित हो गया है कि अभी लोग इक्वल ट्रीटमेंट करने के कायम नहीं हुए। 70 साल के बाद भी अभी हमारे मुल्क में वही ट्रीटमेंट करने के लोग आ रही हैं जो ट्रीटमेंट हज़ारों साल से करते आ रहे हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि अभी ये रिजर्वेशन आगे पता नहीं कितने दिन तक चलाना पड़े, जब ये सोसाइटी में लोगों के जहन में ये बात खत्म हो जाए कि हम किस जात के हैं, ऊँची जात के हैं, नीची जात के हैं, और कोई सोसाइटी में ऐसा वो न रह जाए कि किसी आदमी को नीची जात का कहकर कोई उसके सम्मान पर कोई हमला हो, तब तक ये रिजर्वेशन आपको कानून करना पड़ेगा। ये रिजर्वेशन इसलिए ज़रूरी है। आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपने जो नारा दिया है, आपने जो अभी तजवीज़ पास की है, आपकी तरफ से तजवीज़ पास हुई है, अपील की गई है प्रधानमंत्री जी से, हमें उम्मीद है तो इस पर गौर करेंगे और बहुत जल्द ऐसे लोगों के हाथ साथ शरीक होंगे जो इस देश में वाकई सेकुलर और डेमोक्रेटिक उसूलों पर चलने वाले हैं, जो जिनका माजी ये साबित कर चुका है वो किसी भी तरीके से किसी एक मज़हब के वक्त वकील नहीं है, किसी एक मज़हब की बात नहीं करते, सारे मज़ाहिब का एहतराम करते हैं, सारे मज़हब, क्योंकि हमारे संविधान की रूह यही है कि इस संविधान के नाते हर मज़हब बराबर है। कोई मज़हब ये नहीं कह सकता कि हमारी आस्था यह है ऐसा आपको मानना होगा, हर मज़हब की आस्था ये अपनी जगह पर बराबरी का मान रखती है, और इसी स्पिरिट से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ ये संविधान, इस पर अमल करना होगा, खाली कहना नहीं होगा। जो बात आपने कही है कि हम इस पर अमल करना चाहते हैं, इस पर चलना चाहते हैं, और हर देशवासी को ये बताना चाहते हैं कि उसके अधिकार क्या हैं, उसके अधिकार उसको मांगना ना पड़े, उसके अधिकार उसको मिले, इस स्पिरिट के साथ आपके जो ये मिशन है, जो लोग आए हैं
ये सब आपके साथ है। हमें उम्मीद है इस मिशन में आपको कामयाबी होगी और वो कामयाबी